हेलो एवरीवन, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन एंड क्रिएशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ पौधों की और किसी क्रिएटिविटी की। आज का वीडियो आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ना ही आप इसे स्किप कर सकेंगे। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना करें। तो आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ आपको एक बहुत ही इजी और एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी बताऊंगी आप लोगों को, जो घर में ही बन जाएगी, जिसके लिए आपको बाहर से कुछ भी नहीं लाना है। और नाइट क्रीम आप उसको यूज़ करेंगे तो आप अपने चेहरे पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखेंगे। ये जो नाइट क्रीम हम बनाने जा रहे हैं, इसके जो इंग्रेडिएंट हैं, सबसे पहला है एलोवेरा जेल, बहुत इजीली आपको कहीं भी मिल जाएगा। दूसरा है रोज़ वाटर और तीसरा है विटामिन ई के कैप्सूल्स, जो ग्रीन कलर के आते हैं, जिन्हें ब्यूटी कैप्सूल्स भी कहा जाता है। इसे बनाना कैसे है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले जो हम तीन ये इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसको हम क्यों यूज़ करें, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहले बताऊँ, इसमें कुछ भी ऐसा केमिकल नहीं है जो कोई भी आपकी स्किन पर रिएक्शन करेगा। आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। जो आपकी स्किन पर रिंकल्स या डार्क सर्कल हैं या किसी तरह का पिगमेंट टेंशन है, तो धीरे धीरे अगर आप उसको यूज़ करते जाएंगे तो धीरे धीरे वो सारी जो स्किन प्रॉब्लम है वो भी आपकी ठीक हो जाएंगी। इन तीनों चीज़ों का ही कॉम्बिनेशन बेमिसाल है। आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो कोई केमिकल नहीं है, दूसरा ये बिल्कुल इजीली आप घर पे बना सकते हैं, इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अदरवाइज होता क्या है कि हम नाइट क्रीम परचेज करते हैं तो कई बार सूट आती है, कई बार सूट नहीं आती है, और उसकी हमें बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो सबसे पहले बात करेंगे एलोवेरा जेल की। आपको पता है कि किसी भी तरह की स्किन के लिए ये बेस्ट होता है। आप इसे घर में उगा हुआ भी अगर स्किन पर लगा लेते हैं तो आपके बहुत सारी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। इसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं, तो आपके घर में जरूर ये होगा और इसी को हम यूज करने वाले हैं नाइट एज अ नाइट क्रीम। मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगी कि इससे आपका कलर फेयर हो जाएगा या बहुत आपका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये आयुर्वेदिक ही टाइप का है, तो इसे धीरे धीरे आपको स्किन में बहुत ही अच्छा फ्लो नज़र आएगा। आपकी जो स्किन टोन है वो बेटर नहीं होगी, लेकिन वो क्लियर होगी, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। नेक्स्ट जो इन्ग्रीडियंट मैं लेने वाली हूँ वो है गुलाब जल। ये भी आपको ईजिली अपने आसपास मार्केट्स में मिल जाता है, और ये आप नॉर्मल गुलाब की जो पत्तियाँ होती हैं, पेटल्स होती हैं, उससे भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाबर गुलाबरी का यूज करने जा रही हूँ। ये फिल्टर होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी मिलावट नहीं होता है। अगर गुलाब जल को आप कॉटन पर लेकर, कॉटन बॉल पर लेकर ऐसे ही अपने स्किन पर लगा लेते हैं तो भी उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। और जो ये नाइट क्रीम हम बनाने जा रहे हैं, जब इसमें हम एलोवेरा और गुलाब जल मिक्स करेंगे तो उससे हमारी जो स्किन है वो क्लियर भी होगी और सॉफ्ट भी होगी। तो पहले लेना है हमें एलोवेरा जेल और नेक्स्ट लेना है गुलाब जल। और जो तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है जो ग्रीन कलर के आपको कैप्सूल लेने हैं विटामिन ई के। ये बहुत ही अच्छे होते हैं और ये हेयर ट्रीटमेंट में भी यूज़ होते हैं, हेयर ऑयल में मिक्स करके भी आप इसको लगाते हैं और ये स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर जो विटामिन ई के जो ग्रीन कलर के कैप्सूल्स आते हैं आपको वही लेने हैं। ये किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको ईजिली मिल जाते हैं, शायद 30 रुपीज़ में 10 आते हैं। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, तो आप इसे ज़रूर परचेज करें। तो अब मैं बताती हूँ कि ये बनाना कैसे है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो एलोवेरा जेल लिया है वो पतंजलि का लिया है। मैं पतंजलि की चीज़ों पर ट्रस्ट करती हूँ कि शायद उसमें बनाने में कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया गया है। तो सबसे पहले 2 बड़े चम्मच मैं यहाँ पर लूँगी एलोवेरा जेल और मिक्सिंग एक बॉल ले लूँगी, कांच का ही लूँगी, बाद में मैं इसको इसी में छोड़ दूँगी या फिर कोई कांच का छोटा सा कंटेनर लेकर मैं उसको यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ले लिया है और उसके बाद मैं इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालूंगी वो है गुलाब जल। गुलाब जल हमें कितना डालना है, वो हमें 1 टेबल स्पून डालना है। 1 टेबल स्पून से बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगा और इसकी क्रीम जैसा एक पेस्ट नहीं बन पाएगा। और उसके बाद मैंने 2 विटामिन ई के कैप्सूल लिए हैं। आप मात्रा का ध्यान रखिएगा, यही मात्रा रखनी है। अगर कम बनाना चाहते हैं तो 1-1 टेबल स्पून कर दीजिएगा, अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो उसी तरह से मात्रा बढ़ा लेंगे। आप इसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं और 10 दिन तक इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब हम इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जैसे ही हम इसे मिक्स करते जाएंगे तो तीनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से टेक्सचर और कलर ले लेंगी। इसको मिक्स करते वक्त ध्यान रखना है कि इसको लगातार चलाते हुए 30 से 40 मिनट में जब आप मिक्स करेंगे तभी भी आपको इसका टेक्सचर बदलना स्टार्ट हो जाएगा और एक बहुत ही क्रीमी फॉर्मी टेक्सचर में आ जाएगी। आप इस नाइट क्रीम को 10 दिनों तक रेफ्रिजरेटर में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कर लीजिए और सबसे पहले आपको अपनी आईज पर इसको अप्लाई करना है, सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। उसके बाद आप अपने पूरे फेस को इससे कवर अच्छे से कर लेंगे और नेक एरिया तक भी कवर करेंगे। आप अपनी स्किन में बहुत अच्छा फ्लॉलेस ग्लो देखेंगे और आपको दिखेगा कि जो आपकी स्किन प्रॉब्लम है वो भी बहुत हद तक कम हो गई है। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे एक थम्स अप दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।